हम बात कर रहे हैं IOC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। बड़ी गिरावट दिखाई थी स्टॉक ने, 150 के आसपास से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ, एक जंप आया था, गिरावट आई तो आपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप के साथ आपने इस हाई को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम देख सकते हैं 155 के लेवल से स्टॉक में हमको लगातार हायर हाई पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जंप पे स्टॉक अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से IOC हमको और तेज़ी दिखा सकता है, यहाँ से हमको आने वाले दिन में IOC में तेज़ी के चांस बनते नज़र आ रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पहले सपोर्ट एरिया को। अगर गिरावट आती है यहाँ से तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 164 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 160 का लेवल, और तगड़ा और इम्पॉर्टेंट जिसे हम आखिरी सपोर्ट भी कहते हैं, जो इसका लो है वो तगड़ा इम्पॉर्टेंट आखिरी सपोर्ट रहेगा 154 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में हमको 140 तक की भी गिरावट IOC में देखने के लिए मिल सकती है। अगर इसी लेवल से स्टॉक 164-165 के आसपास से बाउंस बैक होता है तो इमीडिएट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 170 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके 174 से 180 तक के टारगेट दिखा सकता है। और 180 का जो एरिया है इसका तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं गिरावट के बाद जब स्टॉक बाउंस बैक हुआ था, गिरावट आई थी बाउंस बैक हुआ था तो 180 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया था, तो 180 के लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है लगातार बड़ी तेज़ी के लिए। अगर स्टॉक IOC इस बाउंस बैक के साथ 180 के एरिया को 180 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया तो फिर यहाँ से हमको बड़ी उड़ान IOC में देखने के लिए मिल सकती है। फिर 200 के स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।